अब डाउटनट ऐप पर मिलेगा क्लास सिक्स से ट्वेल्व का सारा प्रश्नों का उत्तर मात्र तीन सेकेंड में कोई भी प्रश्न को अच्छा से क्रॉप कर लीजिए उसके बाद उसका आंसर आपको तीन सेकेंड में मिलेगा लिंक डिस्क्रिप्शन में है डाउनलोड कर लीजिए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर भी है वहां से भी आप प्रश्नों का हल मात्र तीन सेकेंड में पा सकते हैं हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू यूरोन यूट्यूब चैनल एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय से भी यू के ऐसे छात्र जो से सन दो हज़ार अट्ठारह इक्कीस के हैं जिनका पार्ट वन का एग्जाम अभी चल रहा है उन छात्रों के लिए बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको थंबनेल में दिख गया होगा दस छात्र हो गए निष्कासित कल का जो एग्जाम हुआ है आपका उसमें बक्सर के डी कॉलेज में से आठ छात्र और आरा के एस कॉलेज से दो छात्र को निष्कासित कर दिया गया है तो आप देख सकते हैं जो वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय ने उड़न टीम बनाया है फ्लाइंग स्क्वाड बनाया है उसका असर दिख रहा है तो आप लोग थोड़ा अच्छा से एग्जाम दीजिए और सोच समझ कर सब काम कीजिए तो आपसे रिक्वेस्ट है थोड़ा सा सतर्क रहिए इसलिए हम लोग वीडियो प्रोवाइड करा दे रहे हैं कि मान लीजिए कहीं छूट है फिर भी आप पूरा समझदारी से रहिए पूरा सोच समझ के रहिए क्योंकि कभी भी कहीं भी फ्लाइंग स्क्वाड आ सकते हैं आप यहाँ पे देख सकते पहले दिन छः और कल दस मतलब अभी तक दो दिन में सोलह छात्र निष्कासित हो गए हैं कल डीके कॉलेज में हंगामा भी हो गया था बहुत सारे छात्र संगठनों ने हंगामा किया लेकिन जो एक्सपेल्ड हो गया निष्कासित हो गया वो निष्कासित हो गया क्योंकि उड़नदस्ता टीम विश्वविद्यालय द्वारा गठित है अब आप देख सकते हैं आज किस विषय का परीक्षा होगा यहाँ पे आपको बता देते हैं कि आज किस किस विषय का एग्जाम होगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं नकल करते पकड़े गए आठ परीक्षार्थी हंगामा यहाँ पे देख सकते हैं डीके कॉलेज में आठ परीक्षार्थी को पकड़ा गया है यहाँ भी आप देख सकते हैं पेपर के अलग अलग आर्टिकल में स्नातक पार्ट वन की परीक्षा में दस परीक्षार्थी हुए निष्कासित आठ आपका डीके कॉलेज से हुए हैं जो बक्सर में है दो एसबी कॉलेज आरा से छात्र को निष्कासित किया गया है अब चलिए आपको यहाँ पर बताते हैं कि आपका आज क्या क्या एग्ज़ाम होगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आज पाँच एक दो हज़ार बीस को आपका यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रुप डी का पेपर टू होगा देखिए ग्रुप डी में क्या क्या है आप यहाँ पे ध्यान से सुन लीजिएगा जिनका हिस्ट्री ऑनर्स है उर्दू ऑनर्स है पर्सियन ऑनर्स है पाली है प्रकृत है भोजपुरी एन संस्कृत ऑनर्स है उन लोगों का पेपर टू आज फर्स्ट सिटिंग में होगा आप यहाँ पे देख सकते हैं बायोटेक है जिनका पेपर फाइव फर्स्ट सिटिंग में होगा वही अगर जिनका बी है तो उनका पेपर फाइव आज सेकेंड सिटिंग में होगा संडे है फिर भी एग्जाम होगा बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे कि आज संडे है तो एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा सेशन लेट चल रहा है यूनिवर्सिटी को सपोर्ट कीजिए इससे आपको ही बेनिफिट होने वाला है इसलिए एग्ज़ाम मकर संक्रांति के दिन भी लिया जा रहा है तो इससे को मतलब आपको सपोर्ट करना है क्योंकि आपके लिए हो रहा है क्योंकि सेशन ऑलरेडी लेट चल रहा है अगर यूनिवर्सिटी ऐसा नहीं करेगा तो आपका एग्ज़ाम लेट होगा फिर आपका रिजल्ट भी लेट होगा क्योंकि कॉपी लेट चेक होगा क्योंकि फिर फरवरी में आपका मैट्रिक और इंटर का परीक्षा हो जाएगा तो जितना हो सके वीडियो को लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय टेक केयर